नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खींचता एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों कैसे हो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल 16 मई से लेकर 22 मई तक। इस दौरान एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी है, मंगल का राशि परिवर्तन। इस राशि परिवर्तन से मंगल और शनि की युति टूटेगी। पिछले समय से इस युति योग ने भी काफी हद तक सुख चैन को प्रभावित कर रखा है। अब 17 मई को मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। इस परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार सप्ताह की शुरुआत में आप मन में सुख शांति और प्रसन्नता की कुछ कमी महसूस करेंगे। घर परिवार और माता जी के संबंध में भी कोई चिंता परेशानी का आलम बन सकता है, परंतु जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा मन में सुख शांति प्रसन्नता और आनंद का माहौल बनेगा। व्यर्थ की मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। माता जी के सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। घर परिवार में खुशियों का प्रवेश होगा। दोस्तों इस सप्ताह में आय और धन के आवागमन में निरंतरता बनी रहेगी। आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। धन के आवागमन में वृद्धि से आप व्यय करने से भी किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करेंगे। आप घर से बाहर खाने पीने शौक पूर्ति और मौज मस्ती के कार्यों पर व्यय करेंगे। जरूरतमंदों की भी सहायता करने से पीछे नहीं हटेंगे। ग्रहों की शुभता से अब आपके हाथ लेने के लिए नहीं देने के लिए आगे बढ़ेंगे, परंतु फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। 17 मई को मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा विपरीत रायोग का निर्माण करेगा। मंगल और शनि की युति टूटेगी, इससे आपके क्रोध में कमी आएगी, विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दूर होगी। अब आप जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देंगे। मंगल के राशि परिवर्तन से प्रेमियों को भी राहत मिलेगी। क्रोध की अधिकता प्रेम संबंधों को भी प्रभावित कर रही थी। प्रेम संबंधों में पुराने गिले शिकवे और मनमुटाव दूर होंगे। क्रोध में कमी के साथ वाणी की कठोरता और क्रूरता में भी कमी आएगी। संतान के साथ भी संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपका मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। इस सप्ताह आप अपने कार्यों को जोश उत्साह उमंग और प्रसन्नता पूर्वक करते हुए दिखाई देंगे। भूमि भवन वाहन और अन्य सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। दोस्तों सप्ताह का अंतिम भाग आपको हर कार्य में सफलता और उन्नति प्रदान करने वाला साबित होगा। विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए भी ग्रह गोचर पूर्ण सहयोग कर रहा है। विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण करने के लिए आपको समय सहयोग कर रहा है। भाग्य के सहयोग से विदेशी स्रोतों से आय बढ़ सकती है। ग्रह गोचर के अनुसार आप अपनी लगन मेहनत और सूझबूझ से इस सप्ताह को और अधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं। हर प्रकार से परिस्थितियां आपके पक्ष में है। दोस्तों अब बात करते हैं वृषभ राशि की। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, आपके लिए यह सप्ताह बहुत शुभ और महत्वपूर्ण है। दंपत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। आय एवं लाभ की स्थिति बहुत उत्तम बनी हुई है। मित्रों के माध्यम से भी लाभ के बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं। ग्रह गोचर के अनुसार मित्र तो क्या शत्रु भी आपको लाभ देकर जाएंगे। चिंता एवं परेशानी का कारण बने हुए शत्रु आपके लिए किसी न किसी प्रकार से लाभप्रद साबित होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में ग्रह गोचर पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। कम प्रयास करने से ही लंबे समय से रूखा अटका तथा फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। आपकी राशि पर बन रहे इतने शुभ और लाभप्रद ग्रह गोचर के साथ साथ मंगल का राशि परिवर्तन भी सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। 17 मई को मंगल राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब लाभ भाव पर ब्रह्मांड के तीन महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। विभिन्न स्रोतों से लाभ के योग बनेंगे।
आपकी मेहनत, पराक्रम, प्रयासों, ज्ञान, कौशल और बौद्धिक योग्यता से आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। कर्म स्थान से मंगल एवं शनि का युति योग टूटने से कार्यस्थल पर पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ संबंधों में पुरानी खटास दूर होगी, मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे, क्रोध में कमी आएगी, पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी, जीवन साथी और भागीदार के माध्यम से लाभ के मौके मिलेंगे। आप कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करना चाहते हैं तो 17 मई के बाद का समय अधिक बेहतर और लाभप्रद है। सप्ताह के मध्य आप कुछ विचलित सा महसूस करेंगे, परंतु इसका कोई खास अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके स्वभाव में बनी हुई सकारात्मकता आपको विचलित नहीं होने देगी। ग्रह गोचर हर प्रकार से आपको सहयोग कर रहा है। विदेश संबंधी कार्यों से भी लाभ के अवसर मिलेंगे। दोस्तों, यह सप्ताह प्रेमियों के लिए भी काफी लाभप्रद है। प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को छुएगा। प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों पर चर्चा करेंगे। नए प्रेम प्रसंग शुरू करने और प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए यह सप्ताह सहयोग कर रहा है। कुल मिलाकर सप्ताह प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह और मंगल का राशि परिवर्तन दोनों आपके लिए अनुकूल रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत से ही आप जोश और ऊर्जा शक्ति युक्त दिखाई देंगे। शत्रुओं पर पकड़ मजबूत होगी तथा पूर्ण सप्ताह शत्रु आपके नियंत्रण में रहेंगे। 17 मई को भाग्यवा पर बन रहा मंगल एवं शनि का युति योग टूट जाएगा। भाग्य के संबंध में महसूस हो रही कमी दूर होगी। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर आस्था बढ़ेगी। अब मंगल कर्म आपको मजबूती प्रदान करेगा। कार्यस्थल पर जोश और उत्साह की अधिकता से महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे तथा कार्यस्थल पर आपका दबदबा बढ़ेगा। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले दोस्तों को मंगल के कर्म भाव पर गोचर का विशेष लाभ प्राप्त होगा। अपना साहस पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि वाले रोमांटिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। इस सप्ताह कार्यस्थल पर आप किसी पर मोहित हो सकते हैं तथा प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। प्रेमीजन को कोई तोहफा वगैरह भी दे सकते हैं। ग्रह गोचर के अनुसार अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता रहेगी। धन के आवागमन में निरंतरता बनी रहेगी। धन के आवागमन से दंपत्य जीवन में भी खुशियों का प्रवेश होगा। कार्य व्यवसाय में भी जीवन साथी का योगदान मिलेगा। समाज में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल अवसर लेकर आएगा। कार्य व्यवसाय के संबंध में विदेश से तार जुड़ेंगे। संचार के माध्यम से भी संबंध स्थापित हो सकते हैं। ऑनलाइन कार्यों में सफलता मिलेगी। देश विदेश में नए संपर्क स्थापित होंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में व्यर्थ की चिंता, परेशानी तनाव का कारण बन सकती है, इसलिए व्यर्थ की बातों में बुद्धि का अधिक उपयोग ना करें। अपने आप को व्यस्त रखें, सकारात्मक बने रहें। सप्ताह समाप्त होते जल्दी ही चिंता परेशानी से उबर जाएंगे। व्यर्थ की मानसिक शांति से छुटकारा मिलेगा। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कर्क राशि की। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह और मंगल का राशि परिवर्तन दोनों आपके लिए बहुत शुभ और महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां हर प्रकार से आपके पक्ष में है। हंसी खुशी से सप्ताह व्यतीत करेंगे। भाग्य की प्रबलता शत्रुओं को पराजित करेगी। मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। 17 मई को मंगल भी अष्टम भाव बाधक स्थान और शनि के कुप्रभाव से मुक्त होकर भाग्य भाव पर गुरु एवं शुक्र की छत्र छाया में आ जाएगा। मंगल का राशि परिवर्तन आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। व्यर्थ की मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से बाहर आएंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान के साथ संबंधों में कोई मतभेद थे तो अब वह मतभेद भी दूर होंगे। मंगल का राशि परिवर्तन इस सप्ताह प्रेमियों को भी राहत प्रदान करेगा। प्रेम संबंधों में परस्पर पैदा अविश्वास और असमंजस जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा तथा प्रेम संबंधों में पहले से अधिक लगाव बढ़ेगा।
दाम्पत्य जीवन के संबंध में भी यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन साथी के सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य भी आपको प्रफुल्लित रखेगा। इस सप्ताह आपको भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त हो रहा है। दोनों के सुख एवं सहयोग से हर कार्य में विजयी रहेंगे। कार्यस्थल पर आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। उच्च अधिकारी वर्ग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। मित्रों का अच्छा सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य की शुभता और प्रबलता से नए मित्रों का जीवन में आगमन हो सकता है। सप्ताह के अंतिम दिन शिव की आराधना करना ना भूलें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होने वाली है। आपकी कार्य कुशलता से सहकर्मी और उच्च अधिकारी वर्ग भी प्रभावित होंगे तथा प्रशंसा करेंगे। अपनी कार्य कुशलता से उच्च अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता का पात्र बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी इस सप्ताह सकारात्मक मोड़ आएगा। पिछले समय से दाम्पत्य भाव पर मंगल एवं शनि का युति योग दाम्पत्य जीवन की सुख शांति को बुरी तरह से प्रभावित किए हुए है। ना चाहते हुए भी छोटी छोटी बातों से जीवन साथी के साथ माहौल गर्म हो जाता है। क्रोध और वाणी दोनों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो रखा है। परंतु दोस्तों अब 17 मई को मंगल के राशि परिवर्तन से परिस्थितियां बेहतर होती दिखाई देंगी। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। अब मंगल अष्टम भाव पर गुरु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा दाम्पत्य जीवन में खुशियों का प्रवेश होता जाएगा। क्रोध में कमी आएगी, अहंकार दूर होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह बेहतर रहेगा। धन के आवागमन में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सरकार और पिता का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। कार्य व्यवसाय और व्यापार में विस्तार के मौके मिलेंगे। कार्य व्यापार की प्रतिस्पर्धा में विजयी रहेंगे। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण रहेगा। संतान के विदेश संबंधी कार्यों में तेजी आएगी। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए भी समय उपयुक्त है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत से ही आपका साहस पराक्रम और आत्मविश्वास अपने चरम पर होगा। आपका अपने प्रति विश्वास और उच्च मनोबल हर कार्य में विजयी बनाएगा। भूमि भवन और वाहन सुख में वृद्धि होगी। मंगल का राशि परिवर्तन भी नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार करेगा। यह ऊर्जा शक्ति आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए तथा कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी। दोस्तों 17 मई को मंगल राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। कार्यक्षेत्र में आप जोश एवं ऊर्जा शक्ति युक्त रहेंगे। अपने महत्वपूर्ण कार्य जोश और उत्साह की अधिकता से पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। कार्य व्यापार के संबंध में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आपकी मेहनत पराक्रम और प्रयासों से धन के आवागमन में वृद्धि होगी। धन के आवागमन में वृद्धि से दाम्पत्य जीवन में खुशियों का प्रवेश होगा। जीवन साथी के साथ कोई नज़दीक की यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेमी जनों के लिए भी यह सप्ताह बहुत खास है। प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने की इच्छा वाले प्रेमियों को समय सहयोग कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्गों का प्रेम संबंधों को आशीर्वाद और रजामंदी प्राप्त हो सकती है। व्यापारी दोस्तों के लिए यह सप्ताह प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा करेगा। व्यापार में विस्तार के लिए ग्रहों की शुभता सहयोग कर रही है। ग्रह गोचर के अनुसार व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहेंगे। विरोधियों पर पकड़ मजबूत होगी, परंतु आंखें बंद कर किसी पर भी विश्वास न करें। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। जोखिम पूर्ण निवेश में हाथ ना डालें। राहु केतु आपके खजाने पर गात लगाए बैठे हैं, इसलिए सावधानी हटी तो कुछ भी हो सकता है। जोश जोश में होश ना खोएं। दोस्तों अब बात करते हैं तुला राशि की। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार यह सप्ताह और मंगल का राशि परिवर्तन दोनों आपकी राशि के लिए अति उत्तम साबित होंगे। पिछले समय से पंचम भाव पर मंगल और शनि का युति योग मानसिक अशांति के साथ साथ संतान सुख को भी प्रभावित कर रहा है। संतान के साथ मतभेद जैसी स्थिति पैदा हो रखी है। व्यर्थ के कार्य में बुद्धि का अधिक उपयोग कर रहे हैं, परंतु अब इस सप्ताह बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। 17 मई को मंगल राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। संतान सुख में वृद्धि होगी।
संतान के संबंध में कोई चिंता परेशानी है तो वह भी दूर होगी। प्रेमियों को भी मंगल के राशि परिवर्तन से बहुत लाभ होगा। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। परस्पर पहले से अधिक लगाव पड़ेगा। पूरे सप्ताह प्रेमीजन के साथ सोशल मीडिया पर अच्छा समय व्यतीत करेंगे। सिंगल दोस्तों के इस सप्ताह सोशल मीडिया पर नए प्रेम प्रसंग का आगमन हो सकता है। दूर दराज के इलाकों और विदेश तक नए संपर्क स्थापित होंगे। मंगल का छठे भाव पर संचार शत्रुनाशक का कार्य करेगा। शत्रुओं पर विजय सुख प्राप्त करेंगे। दोस्तों, चंद्रमा का गोचर भी आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। दंपत्य जीवन में तालमेल बनाए रखें। नौकरी पेशा दोस्तों को भी इस सप्ताह उच्च अधिकारी वर्ग से विवादों से बचना होगा। खासकर इस सप्ताह सरकारी नियमों की अनदेखी ना करें, नहीं तो दंड स्वरूप कोई जुर्माना वगैरह हो सकता है। इससे पिताजी की भी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, सावधानी बरतें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए अति उत्तम बना हुआ है। हर ग्रह का गोचर आपको सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य की प्रबलता आपको हर मोर्चे पर सफलता प्रदान करेगी। इसके अलावा सुख स्थान से मंगल एवं शनि का युति योग टूटने से सुखों में वृद्धि होगी। घर परिवार में सुख शांति और प्रसन्नता का प्रवेश होगा। चतुर्थ भाव पर मंगल एवं शनि का युति योग मन और विचारों में ज्वार बाटे जैसी उथल पुथल मचाए हुए है। सुख चैन की कमी महसूस हो रही है। अब 17 मई को मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ पुराने गिले शिकवे और मतभेद दूर होंगे। कार्यक्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी आपकी राशि से ही संचार शुरू करेगा। यह भी बहुत उत्तम स्थिति है। विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करेंगे। सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपका प्रभाव बढ़ने से शत्रु प्रभावहीन और भयग्रस्त रहेंगे। सप्ताह के अंत में भाग्य के सहयोग में विशेष वृद्धि होगी। पूर्ण सप्ताह आपको बाहुबल, बुद्धिबल और भाग्यबल का सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी यह सप्ताह प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर मानसिक सुख शांति, प्रसन्नता और आनंद का भाव लेकर आएगा। रोमांच का अनुभव करेंगे। प्रेम संबंध विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हर प्रकार से परिस्थितियां प्रेमियों के पक्ष में है। दंपत्य जीवन में भी प्रसन्नता का माहौल पैदा होगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह सप्ताह धन में वृद्धि करने वाला है। आय एवं लाभ में वृद्धि होगी। आप किसी भी कार्य से संबंधित क्यों ना हो, आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह हर प्रकार से आपको सहयोग कर रहा है। शत्रु भी आपके नियंत्रण में रहेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में मन में सुख शांति और प्रसन्नता का अभाव महसूस करेंगे। बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों में उपयोग से मानसिक अशांति जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। दोस्तों, जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। डर, संशय और वहम जैसी स्थिति से बाहर आएंगे। व्यर्थ की चिंता परेशानी से छुटकारा मिलेगा। सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा। दंपत्य सुख में वृद्धि होगी। जोश और ऊर्जा शक्ति युक्त महसूस करेंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। भूमि, भवन और वाहन सुख में वृद्धि होगी। मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए मिला जुला रहेगा। 17 मई को मंगल चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस सप्ताह आप घर की मरम्मत या रेनोवेशन संबंधी कोई अधूरा पड़ा कार्य पूर्ण कर सकते हैं। घर की साज सजावट पर विशेष ध्यान देंगे। जीवन साथी आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह उत्तम है। आर्थिक मजबूती से मन प्रफुल्लित रहेगा। जीवन की सुख सुविधाओं का उपभोग करेंगे। सुखों में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन और अन्य सुख सुविधाओं पर व्यय भी कर सकते हैं। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए भी यह सप्ताह उन्नति प्रदान करने वाला है। दोस्तों, इस सप्ताह आपसे विरोधाभास रखने वाले आपके बढ़ते प्रभाव से प्रभावित हैं, भयभीत रहेंगे। उच्च अधिकारी वर्ग से मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। प्रेमियों को सतर्क रहना पड़ेगा। परस्पर अधिक विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह परिस्थितियां
अनुकूल और पूर्ण रूप से आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। आर्थिक स्थिति में बेहतर परिवर्तन आएगा, व्ययों में कमी आएगी, आय में वृद्धि होगी। सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा एकादश भाव से अपना संचार शुरू करेगा, आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। इसके अलावा 17 मई को मंगल भी राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब धन स्थान पर बन रही मंगल एवं शनि की युति टूटेगी, इससे धन, वाणी और कुटुंब के संबंध में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आप बचत करने में सफल रहेंगे, फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी, कुटुंब में खुशियों का प्रवेश होगा, वाणी दोष दूर होगा, दंपत्य जीवन में मधुरता आएगी। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम लाभप्रद साबित होंगे, मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। दोस्तों, आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। पराक्रम भाव पर पराक्रमी मंगल का प्रवेश आपको भी पराक्रमी बनाएगा। सप्ताह मध्य में मन में कुछ विचलित सा महसूस करेंगे, परंतु जल्द संभल भी जाएंगे। आपका अपने प्रति विश्वास और उच्च मनोबल नकारात्मक ऊर्जा को पास भी नहीं फटकने देगा। ग्रह गोचर के अनुसार आप आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। वर्क एबिलिटी और स्टेमिना लाजवाब होगा। प्रेमी इस सप्ताह घूमने फिरने और मौज मस्ती के लिए किसी नज़दीकी स्थल की यात्रा कर सकते हैं, परंतु प्रेम संबंधों पर क्रोध को हावी ना होने दें, क्रोध से दूरी बनाकर रखें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कर्म स्थान से संचार शुरू करेगा। चंद्रमा का शुभ गोचर सफलता और उन्नति की ओर संकेत दे रहा है, हर कार्य में सफलता मिलेगी, खासकर नौकरी पेशा दोस्तों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मंगल का भी राशि परिवर्तन क्रोध में कमी करेगा। 17 मई को मंगल राशि परिवर्तन कर आपकी राशि से प्रस्थान कर द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, पिछले समय में राशि में शनि या मंगल के प्रभाव से विचारों में बनी हुई नकारात्मकता अब दूर होगी, विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनेगी। यह सप्ताह विशेषकर आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता लेकर आएगा, हर मोर्चे पर विजय बनाएगा। धन के आवागमन में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। धन के आवागमन में वृद्धि से कुटुंब में भी प्रसन्नता का माहौल बनेगा, सुखों में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा दोस्तों को भी अपनी मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। रुका अटका तथा फंसा हुआ धन कम प्रयास करने से प्राप्त हो सकता है। ग्रह गोचर के अनुसार हंसी खुशी से सप्ताह व्यतीत करेंगे। व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए भी यह सप्ताह सुखमय और आनंदमय बना हुआ है। प्रेमीजन के साथ घर से बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में जाने का कार्यक्रम बनेगा, स्वादिष्ट व्यंजन खाने का लुत्फ उठाएंगे। कुल मिलाकर कुंभ वालों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह और मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव लेकर आएगा, नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। दोस्तों, 17 मई को मंगल राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में संचार करेगा। द्वादश भाव से मंगल एवं शनि का युति योग टूटने से बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा, व्ययों में कमी आएगी, फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी, व्यर्थ की चिंता परेशानी से छुटकारा मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी भाग्य भाव से अपना संचार शुरू करेगा। पूर्ण सप्ताह चंद्रमा का गोचर उत्तम बना रहेगा। दंपत्य जीवन और प्रेम जीवन में भी सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। कार्य व्यापार में जीवन साथी का योगदान भी अहम रहेगा। व्यापारियों को यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे, जीवन साथी के साथ भी यात्रा कर सकते हैं। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए भी यह सप्ताह प्रसन्नता देने वाला रहेगा। उच्च अधिकारी वर्ग से मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे, अधूरे पड़े कार्य पूर्णता की ओर चलेंगे, यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका दबदबा बढ़ेगा। ऊर्जा कारक मंगल का राशि पर प्रभाव जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा। आपका आत्मविश्वास अत्यंत ही मजबूत रहेगा। कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से इस सप्ताह आपका उच्च मनोबल बहुत सहायक सिद्ध होगा। कुल मिलाकर मीन राशि वाले दोस्तों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।